एक बार की बात है, उदयपुर नामक गांव में आरोही और पायल दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। आरोही और पायल के माता पिता बहुत ही ज्यादा गरीब थे। दोनों मजदूरी कर अपनी बेटियों का पालन पोषण किया करते थे। उन्होंने अपनी बेटियों को एक अच्छी जिंदगी देने में कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। वह खुद भूखे रहते थे, लेकिन अपनी बेटियों का पेट भरकर खाना खिलाया करते थे और उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी पूरा किया करते थे। आरोही बहुत ही ज्यादा अच्छे स्वभाव की थी। वह अपने माता पिता का सहारा बनना चाहती थी, उनके लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए वह सिलाई सीखने का फैसला करती है। और वहीं दूसरी तरफ पायल, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे तो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। ऐसे ही एक दिन पायल अपने माता पिता से कहती है, माँ पिताजी, मुझे एक अच्छा सा गाउन चाहिए। आपको पता है मेरी दोस्त का जन्मदिन है और मेरी दोस्त ने कहा है कि एक अच्छा और सुंदर गाउन पहनकर आना है। पायल, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि माँ पिताजी मजदूरी करते हैं, रात दिन कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, तब जाकर दो समय का खाना जुटा पाते हैं। और तुम कभी सैंडल, कभी चूड़ियाँ, और अब गाउन, तुम जानती भी हो गाउन कितना ज्यादा महंगा आएगा। यह देखो, मैंने अपने हाथ से एक फ्रॉक बनाई है, इसे पहन लेना, मम्मी की पुरानी साड़ी की है, कितनी अच्छी लग रही है। ओ हेलो बहन जी, मेरी दोस्त हमारी तरह गरीब नहीं है, वो बहुत ज्यादा अमीर है। पार्क में मेरी दोस्ती हुई थी, तुझे क्या लगता है कि मैं मम्मी की पुरानी साड़ी की यह फ्रॉक पहन कर जाऊँ और अपनी इंसल्ट करवाऊँ? तो चाहती ये है, मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। माँ पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता, गरीबी में जी जी कर अब मेरा दम घुटने लगा है। मैं अपने अमीर दोस्त के जन्मदिन पार्टी में जरूर जाऊंगी और गाउन ही पहन कर जाऊंगी। मुझे नहीं पता, मुझे गाउन चाहिए। अरे बेटा, तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हारे लिए ही तो हम मेहनत कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम तुम्हारे लिए एक अच्छा और सुंदर गाउन ला सकें। आरोही और पायल के माता पिता बेचारे उदास होकर घर से बाहर काम करने के लिए निकल आते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि वह पायल के लिए गाउन नहीं लेकर आ पाएंगे। उन्होंने तो पायल को सिर्फ झूठा दिलासा दिया था। और वह सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और शाम को जो उनकी मजदूरी के पैसे मिलते हैं, वह घर लेकर आ रहे थे कि तभी एक बहुत तेज रफ्तार से ट्रक आता है और दोनों को ही टक्कर मारकर चला जाता है। दोनों खून में लहूलुहान थे, इतना ज्यादा खून निकलने की वजह से उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। जब इस बात की खबर आरोही और पायल को लगती है तो दोनों बहनें दौड़ी दौड़ी अपने माता पिता के पास आती हैं और अपने माता पिता की ये हालत देखकर बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, माँ पिताजी हमें इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। पायल देखो तो माँ पिताजी को कितना ज्यादा खून निकल रहा है, वो हमें छोड़कर जा चुके हैं, अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। माँ पिताजी, आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं, कृपया करके हमें छोड़कर मर जाइए, हमें छोड़कर क्यों चले गए? हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो हमें इस तरह से छोड़कर क्यों चले गए, क्योंकि मैंने इनसे गाउन मांगा था ना, गाउन तो ला नहीं सके तो सोचा इस दुनिया से ही चले जाते हैं। पता नहीं मेरी ही किस्मत इतनी ज्यादा खराब क्यों है, मैंने इतने गरीब परिवार में जन्म ही क्यों लिया। पायल की यह बातें सुनकर आरोही गुस्से से तिल मिला जाती है और वह पायल को जोर से थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, पायल, तुम्हारे सीने में दिल भी है या नहीं, तुम इतनी ज्यादा निर्दय कैसे हो सकती हो? माँ पिताजी ने हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया और आज वो हमें इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, तुम्हें जरा भी दुख नहीं है और तुम इस समय उन्हें ऐसी बातें सुना रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम माँ पिताजी के बारे में ऐसा बोलोगी और वो भी इस समय। इस तरह से आरोही पायल को बहुत सुनाती है और कुछ समय बाद अपने माता पिता का दाह संस्कार कर देती है। लेकिन पायल तो पायल थी, उसे आरोही की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पायल अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए अपनी माँ की सोने की चूड़ियाँ, चांदी की पायल सब कुछ बेच देती है। और यहाँ आरोही घर में जो थोड़ा बहुत राशन था उसमें अपना गुजारा कर रही थी। ऐसे ही एक दिन पायल आरोही से कहती है, सुनारोही की बच्ची, अब मेरे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, इसलिए मैंने यह घर गांव के जमींदार को बेच दिया है। जल्दी से इस घर से अपने जो भी फटे पुराने कपड़े हैं वो लेकर निकल जा और मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ मुंबई घूमने। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ, तुमने यह घर बेच दिया? पायल, अब हम कहाँ रहेंगे? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया, माँ पिताजी की आखिरी निशानी थी। इस घर के अंदर
माँ पिताजी के साथ हमारा बचपना बीता है, उनकी यादें थी, और तुमने पार्टी के लिए अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने के लिए इस घर को भी बेच दिया। हाँ तो क्या करती, उन्होंने हमारे लिए क्या ही क्या था, अगर पैसे होते तो मैं इस घर को क्यों बेचती, पैसे नहीं थे इसलिए मैंने इस घर को बेच दिया। अब ज्यादा बकबक मत कर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जमींदार अपने लोगों के साथ यहाँ आता ही होगा, इस घर से जो निकालना है निकाल ले, वैसे तो इस फर्टीचर घर के अंदर कुछ नहीं होगा, अगर तुझे कुछ चाहिए तो ले ले और निकल यहाँ से। और हाँ, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, क्योंकि मैं मुंबई जा रही हूँ अमीर होने के लिए, गरीबों को मैं मुँह नहीं लगाती। पायल की यह बातें सुनकर आरोही हक्की पक्की रह जाती है कि पायल इतनी बुरी कैसे हो सकती है, लेकिन वह क्या कर सकती थी, अब तो घर बिक चुका था। वह अपने मम्मी पापा की तस्वीर लेती है, अपने कुछ कपड़े लेती है और घर से निकल जाती है, और पायल उस घर को बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं उसमें से बेचारी आरोही को एक फूटी कौड़ी नहीं देती और अपने दोस्तों के साथ मुंबई चली जाती है। यहाँ आरोही दर बदर की ठोकरें खा रही थी। आरोही रात जंगल में ही गुजारती है। सुबह होने के बाद आरोही अपना रहने का बंदोबस्त करने जाती है और वह एक बुटीक पर नौकरी भी मांगती है। देखो मुझे एक लड़की की जरूरत तो है, लेकिन मेरे बुटीक पर सिर्फ अच्छे गाउन ही बनाए जाते हैं, अगर तुम्हारा बना हुआ गाउन मुझे पसंद आ गया तो मैं तुम्हें नौकरी के साथ साथ रहने के लिए जगह भी दूंगी और खाने के लिए खाना भी, लेकिन पहले मैं तुम्हारी सिलाई देखना चाहती हूँ कि तुम किस तरह की सिलाई करती हो, गाउन बना भी पाती हो या नहीं। बुटीक मालकिन की यह बातें सुनकर आरोही खुश हो जाती है और वह सिलाई मशीन पर बैठती है और एक गाउन बनाती है। आरोही के हाथ से बहुत ही ज्यादा सुंदर गाउन बनकर तैयार होता है। गाउन को देखकर बुटीक मालकिन भी चौंक जाती है, वह तुरंत उसे अपने यहाँ नौकरी दे देती है। आरोही का बना गाउन बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा था, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आ रहे थे और कुछ ही दिन में आरोही बहुत पैसे कमा लेती है। उसके पास रहने के लिए अपना एक अच्छा घर, खाने के लिए अच्छा खाना, पहनने के लिए अच्छे कपड़े। बुटीक मालकिन भी आरोही से बहुत ही ज्यादा खुश थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन फटे पुराने कपड़ों में सर पर चोट लगी पायल भिखारियों की लाइन में लगी थी, भीख मांग रही थी। आरोही हमेशा गरीब भिखारियों को खाना खिलाया करती थी और आज भी वह वहाँ खाना लेकर जाती है। तभी पायल आरोही को देखकर कहती है, यह तो आरोही है और इसने कितना ज्यादा सुंदर गाउन पहन रखा है और कितनी बड़ी गाड़ी के अंदर से निकली है, ये तो कितनी ज्यादा अमीर हो गई। इसके पास मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था, न मम्मी की चूड़ियां, न घर, फटे पुराने कपड़ों से निकाल दिया था, फिर भी इतनी ज्यादा अमीर हो गई। अगर इसने मुझे यहाँ भीख मांगते हुए देख लिया तो मेरे पर बहुत हंसेगी। ऐसा सोचकर पायल मुंह छुपाकर वहाँ से भाग जाती है और आरोही वहाँ सभी गरीब भिखारियों की मदद कर वहाँ से आ जाती है और पायल आरोही के पीछे लग जाती है कि आरोही इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई। और एक दिन उसे पता चल जाता है कि जिस बुटीक पर आरोही नौकरी करती है उसकी मालकिन ने उसे अपनी बेटी बना लिया है और उनकी धन दौलत पर वह ऐश कर रही है। आरोही बेटा, तुम्हारी वजह से मेरे बुटीक का बहुत ही ज्यादा नाम हो रहा है, अगर तुम मेरे पास नौकरी के लिए नहीं आती तो मैं इतना नाम कभी नहीं कमा पाती, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सुजाता माँ, यह कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आपने मुझे उस बुरे वक्त में सहारा दिया जब मेरा अपना कोई नहीं था, मुझे अपनी बेटी जैसा माना, रहने के लिए इतना आलिशान घर, गाड़ी, कपड़े, एहसान तो आपने मेरे ऊपर किया है। यहाँ इन दोनों को देखो, दोनों में कितना ज्यादा प्यार उमड़ रहा है, इनका इतना प्यार देखकर कहीं मुझे शुगर ही ना हो जाए। और रोही की बच्ची, मैं यहाँ भीख मांग मांग कर अपना गुजारा कर रही हूँ और तुम यहाँ ऐश कर रही है, अगर मैं ऐश नहीं कर सकती तो मैं तुझे भी ऐश नहीं करने दूंगी, अब देख मैं तेरे साथ करती क्या हूँ। ऐसा सोचकर पायल आरोही को बर्बाद करने का प्लान बना लेती है और जैसे ही आरोही अपने बुटीक पर जाती है, काम करती है और सारा ऑर्डर पूरा करने के बाद घर आ जाती है, तभी रात हो जाने के बाद वह पूरे बुटीक में आग लगा देती है और ऐसा करकर बहुत खुश होती है। सुबह को जब बुटीक मालकिन अपना बुटीक जलता हुआ देखती है तो वह आरोही के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और उसे जोर से थप्पड़ मार कर कहती है, आरोही तुम मेरे प्यार का मुझे ये सिला दोगे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मेरा पूरा बुटीक चला दिया और इसके अंदर कितना ज्यादा महंगा महंगा कपड़ा था और मुंबई वाला ऑर्डर, तुमने तो मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, अगर वह ऑर्डर नहीं गया तो मैं सड़क पर आ जाऊंगी, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने एक अनाथ गरीब समझकर तुम्हें सहारा दिया और तुमने मेरी ही पीठ पर छुरा घोंप दिया। सुजाता माँ, ये आप क्या कह रही हैं, मैं सपने में भी आपको बर्बाद करने के बारे में सोच नहीं सकती, मैं खुद हैरान हूँ अचानक इस बुटीक के अंदर आग कैसे लग गई, रात तक तो सब कुछ ठीक था।
सुना रोही की बच्ची, मैं जितनी अच्छी हूँ उतनी बुरी भी हूँ। यह सब कुछ नुकसान तेरी वजह से हुआ है तो तू ही पूरा करेगी, और वो कहाँ से करेगी मुझे नहीं पता। मेरे बुटीक के पैसे और इसके अंदर जो भी सामान था सबके मुझे पैसे चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द। अगर नहीं दिए तो तू सोच भी नहीं सकती कि मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। सुजाता की यह बातें सुनकर आरोही बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, और आरोही को इतना दुखी देखकर पायल बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसने आरोही को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आरोही अपनी माँ की तस्वीर देखकर बहुत ही ज्यादा रोती है। माँ देखिए ना, आपके जाने के बाद मुझे एक माँ मिली थी जो बिल्कुल आपकी तरह प्यार करती थी। जिंदगी में सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक मेरी जिंदगी में यह तूफान कहाँ से आ गया मुझे कुछ नहीं पता। अब मैं बुटीक के इतने सारे पैसे कहाँ से ला कर दूंगी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ माँ, क्या। आरोही इस तरह से बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी कि तभी आरोही की स्वर्गवासी माँ की आत्मा वहाँ पर आ जाती है। अपनी माँ की आत्मा देखकर आरोही बहुत खुश होती है। तभी आरोही की स्वर्गवासी माँ कहती हैं, आरोही मेरी प्यारी बच्ची, ऐसे नहीं रोते, तुम तो मेरी बहुत अच्छी बच्ची हो। तुम अपनी माँ को बुलाओ और तुम्हारी माँ तुम्हारे पास ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। यह लो मेरी प्यारी बच्ची, जादुई सोने और चांदी के दो गाउन। जादुई सोने के गाउन से तुम्हें पैसा और जितने चाहो उतने अच्छे अच्छे गाउन मांग सकती हो, और जादुई चांदी के गाउन से तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम्हें किसने बर्बाद करना चाहा, और सुजाता को भी तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मिलेगा। ठीक है, अब अपने आंसू साफ करो और चुप हो जाओ। माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने जादुई सोने और चांदी के गाउन देने के लिए। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को परेशानी से बाहर निकालती है। आरोही की स्वर्गवासी माँ जादुई सोने और चांदी के गाउन देकर वहाँ से अदृश्य हो जाती हैं। आरोही जादुई सोने के गाउन से बहुत सारी धन दौलत लेती है और बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर गाउन भी मांगती है। आरोही को सब कुछ तुरंत मिल जाता है, और वह सुजाता के पास जाती है, उन्हें पैसे देती है और सुंदर सुंदर गाउन देती है, और उनसे कहती है, सुजाता माँ आपको अभी पता चल जाएगा कि आपका बुटीक किसने जलाया था। आप इस जादुई चांदी के गाउन को हाथ लगाइए, और ये रहे आपके बुटीक के पैसे और गाउन। आरोही के इतना कहते ही जैसे ही मालकिन जादुई चांदी के गाउन को हाथ लगाती हैं, तो उन्हें सब नजर आ जाता है कि किस तरह कोई लड़की उनके बुटीक में आग लगा रही है। लेकिन आरोही तुरंत समझ जाती है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी बहन पायल ही है, और अपनी बहन को यह करता देख आरोही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और आरोही अपनी बहन को ढूंढती है और उसे पुलिस के हवाले कर देती है, और उससे कहती है, पायल माँ ने मुझे जादुई चांदी का गाउन इसलिए ही दिया था ताकि मैं तुम्हें सजा दिलवा सकूं। तुमने बहुत बुरे कर्म कर लिए हैं, अब समय आ गया कि तुम्हें उसकी सजा मिले। तुम तो बर्बाद हो ही चुकी थी, तो मुझे भी बर्बाद करना चाहती थी। पायल इंसान के बुरे कर्म कभी भी उसे अच्छे रास्ते पर लेकर नहीं चलते। अगर वह बुरा करता है तो उसके साथ भी बुरा ही होता है, और तुमने हमेशा बुरे ही कर्म किए हैं, इसलिए अब माँ भी चाहती है कि तुम्हें सजा मिले। अब तुम जाओ जेल और चक्की पीसो। ऐसा कहकर आरोही अपनी बहन को पुलिस के हवाले कर देती है। आरोही को बहुत दुख होता है, लेकिन वह उसे सबक सिखाना चाहती थी ताकि वह सही रास्ते पर आ जाए, और इस तरह पायल के बुरे कर्मों की सजा उसे मिल जाती है, और आरोही के अच्छे कर्मों की वजह से उसकी माँ के जादुई सोने और चांदी के गाउन उसे मिले, जिनकी मदद से वह सुजाता के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करती है। एक बार की बात है, किशनगंज नामक गांव में कनिका अपनी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। जब कनिका बहुत छोटी थी तभी कनिका के पिता उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। सुजाता ने अपनी बेटी को बहुत मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया था। वह लोगों के घरों में झाड़ू पोछा क्या करती थी, इतना ज्यादा काम कर अब उसकी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं रहा करती थी, उसकी तबीयत बिगड़ती रहती थी। कनिका को एक तो अपनी गरीबी का दुख, और दूसरा उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुख था कि उसका इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं था, कोई उससे बात करना पसंद नहीं किया करता था। जहाँ भी वह जाती थी दुत्कारी जाती थी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वह गोरी नहीं थी, सब उसे काली काली कहकर पुकारा करते थे। ऐसे ही एक दिन सुजाता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी कनिका अपनी माँ के पास आती है और उनसे कहती है, माँ आज आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आज मैं आपकी जगह काम करने चली जाती हूँ। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, आपका सहारा बन सकती हूँ, आप आराम कीजिए, मैं जा रही हूँ, ठीक है। ऐसा कहकर कनिका अपनी माँ की जगह आज काम करने चली जाती है।
सुजाता की मालकिन कावेरी को कनिका के रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कनिका को काम करने देती हैं। कनिका मन लगाकर काम कर रही थी, तभी कावेरी कनिका के पास आती है और उससे कहती है, सुनो लड़की, जल्दी से सुमन के रूम की सफाई करो और जल्दी घर जाओ। सुमन को काले और बदसूरत लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर उसने यहाँ तुम्हें देख लिया तो घर सर पर उठा लेगी और उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। कावेरी के यह शब्द कनिका को तीर की तरह चुभते हैं और वह चुपचाप सुमन के रूम में जाती है, उसके रूम की सफाई करती है। तभी कनिका की नजर ड्रेसिंग टेबल पर जाती है, जिसके ऊपर महंगे महंगे परफ्यूम, लिपस्टिक, पाउडर रखे थे। कनिका एक बार वह महंगा महंगा मेकअप देखती है और दूसरी तरफ अपनी शक्ल आईने में देखती है और सोचती है, इन अमीर लोगों की किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी होती है, यह कुछ भी यूं ही चुटकियों में खरीद लेते हैं। देखो तो कितने ज्यादा सुंदर सुंदर लिपस्टिक, पाउडर, परफ्यूम रखे हुए हैं। अगर मैं भी अमीर होती तो यह सब कुछ खरीदती और अपने चेहरे पर लगाती तो शायद मैं भी सुंदर दिखती और फिर कोई मेरे काले रंग से नफरत नहीं करता। मेरे भी दोस्त होते, मैं भी दोस्तों के साथ एंजॉय किया करती। लेकिन यह सब कुछ सपने जैसा है। क्या एक बार मैं यह पाउडर लगाकर देखूं मैं कैसी लगूंगी? ऐसा सोचकर जैसे ही वह पाउडर लगा रही होती है, तभी वहां पर सुमन आ जाती है और अपने रूम में इतनी काली लड़की को देखकर और उसके हाथ में अपना महंगा और ब्रांडेड पाउडर देखकर वह गुस्से से तिल मिला जाती है और बेचारी कनिका की बहुत ही ज्यादा पिटाई करती है और जोर जोर से चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाती है, मम्मी मम्मी जल्दी यहाँ पर आइए, मम्मी यह काली बदसूरत लड़की मेरे रूम के अंदर क्या कर रही है, आप जानती है ना मुझे इस जैसे बदसूरत लोग कितने ज्यादा बुरे लगते हैं, इनसे मुझे नफरत है नफरत। और आप जानती हैं इस गरीब काली लड़की ने मेरा पाउडर अपने हाथ में ले रखा था जो मैंने लंदन से मंगाया था, वो सारा खराब कर दिया। आपको क्या जरूरत थी इतनी बदसूरत नौकरानी को रखने की, मम्मी इसे अभी के अभी यहाँ से निकालिए वरना मैं इसे जान से मार दूंगी। कनिका मैंने क्या कहा था कि मेरी बेटी को काले बदसूरत इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तूने मेरी बेटी के पाउडर को क्यों हाथ लगाया, तेरी औकात नहीं है इसे खरीदने की और न ही लगाने की, ऐसा पाउडर सिर्फ तुम सपने में ही देख सकते हो और तू काली इस पाउडर को लगाकर भी सुंदर नहीं हो जाएगी। अब तुझे और तेरी माँ को हमारे यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती और यह आंसू सिर्फ मेरी बेटी की तेरी वजह से है, निकल जाए यहाँ से। कावेरी मैम मेरी माँ बीमार है, आप तो जानती हैं मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी, अगर आप हमें नौकरी से निकाल देंगी तो हम अपना पालन पोषण कैसे करेंगे, गरीब के पेट पर लात मत मारिए। काली कलूटी अच्छा ही होगा कि तू भूख के मारे तड़प तड़प कर मर जा, कम से कम तुम जैसे काले बदसूरत लोग दुनिया से कम तो होंगे। मम्मी अच्छी सी नौकरानी को बुलाकर पूरा रूम दोबारा से साफ करवाओ और मुझे अपने हाथ भी धोने पड़ेंगे, इस काली कलूटी को हाथ लगाया था, कहीं मैं भी इसकी तरह बदसूरत न हो जाऊँ। बेचारी कनिका सुमन और कावेरी के सामने बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है कि उसे नौकरी से ना निकाले, लेकिन दोनों माँ बेटी उसकी एक नहीं सुनती और उसे धक्के मार कर निकाल देती हैं। बेचारी कनिका रोते हुए घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे माफ कर दीजिए, आज आपकी इस काली बेटी की वजह से आपकी नौकरी भी चली गई, अब हम क्या खाएंगे और आपकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है। माँ यह दुनिया इतनी जालिम क्यों है, गरीबों को क्यों परेशान करती है और बदसूरत लोगों को भी, और मैं तो दोनों ही हूँ, गरीब भी और बदसूरत भी, अगर आज मैं सुंदर होती तो आपकी नौकरी नहीं जाती, मेरे काले रंग ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया। अरे बेटा चुप हो जाओ, रो मत, और यह रंग रूप कोई मायने नहीं रखता, असली सुंदरता तो दिल की होती है, लेकिन यह दुनिया वाले दिल की सुंदरता को नहीं समझते, इन्हें सिर्फ बाहर की चमचमाती हुई बाहरी सुंदरता ही समझ में आती है, और यह अमीर गरीबों को तो कुछ समझते ही नहीं है, गंदी नाली का कीड़ा समझते हैं, जब इनके दिल में आता है रखते हैं और जब दिल में आता है पैर के नीचे लाकर कुचल देते हैं। तुम परेशान मत हो, ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। ऐसा कहकर सुजाता अपनी बेटी को दिलासा देती है। घर में जो भी थोड़ा बहुत राशन होता है दोनों माँ बेटी कुछ दिन उसमें गुजारा करती हैं। सुजाता की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी, वह चारपाई से उठ ही नहीं रही थी और कनिका जहाँ भी काम के लिए जाती तो उसके रंग रूप की वजह से कोई उसे काम ही नहीं देता, उसे धुतकार कर भगा दिया करते थे। कनिका बहुत परेशान हो जाती है कि घर में उसकी बीमार माँ, उसे दवाई की, खाने की कितनी ज्यादा जरूरत है।
तभी कनिका की नज़र एक फूल बेचने वाली लड़की के ऊपर जाती है जो फूल बेचकर पैसे कमा रही थी। कनिका अगले दिन एक बगीचे से फूल लेकर आती है और वह भी बेचने लगती है। आंटी आंटी, यह फूल देखिए कितनी ज्यादा ताजी है, ले लीजिए। मेरी घर पर बीमार माँ है, उन्हें दवाई की बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरे पास पैसे नहीं है। आंटी यह फूल ले लीजिए। चल चल काली कलूटी, दूर हट, मैं तेरे से फूल नहीं खरीदूंगी। इस तरह से वह औरत कनिका को काली कलूटी कहकर दूर हटा देती है और उसके फूल नहीं खरीदती और दूसरी लड़की के फूल खरीद लेती है जो गोरी थी। इतना ज्यादा भेदभाव होता देख कनिका को बहुत दुख होता है और वह बेचारी शाम तक इसी तरह फूल बेचती रहती है, लेकिन कोई उसके रंग रूप की वजह से उसके पास आना भी पसंद नहीं करता और वह जिसके पास जाती तो वह उसे धुतकार कर भगा दिया करता था। बेचारी कनिका हार थक कर अपने घर चली जाती है और अपने साथ हुए भेदभाव के बारे में अपनी माँ को बताती है। तभी सुजाता कहती है, कनिका मेरी प्यारी बच्ची, मेरी बात हमेशा याद रखना, रंग रूप कोई मायने नहीं रखता, हमेशा अपनी आत्मा को पवित्र रखना, परेशान लोगों की मदद करना, किसी को मुसीबत में अकेला मत छोड़ना, बड़े बूढ़ों की सेवा करना, एक अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी सुंदरता और महानता होती है। मेरी प्यारी बच्ची मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा। और हाँ, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, मेरे पास एक जादुई पाउडर है जो मुझे एक साधु बाबा ने दिया था। कहा था जब मेरे इस दुनिया से जाने का समय आ जाए तो वह मैं तुम्हें दे दूं। बेटा मेरा जादुई पाउडर काली पहाड़ी के पास जो जंगल है वहाँ एक जगह रखा है, वहाँ से लेकर आ जाओ। ठीक है बेटा। नहीं नहीं माँ, मुझे आपका कोई जादुई पाउडर वाउडर नहीं चाहिए, मुझे बस आपका साथ चाहिए। आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पिताजी को तो मैंने कभी देखा ही नहीं, हमेशा मैंने आपको ही माँ पिता दोनों समझा है, और अब आप भी मुझे छोड़कर चली जाएंगी तो मैं किसके सहारे रहूंगी। नहीं माँ, आप मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए माँ। कनिका अपनी माँ से ऐसा कह ही रही होती है कि तभी सुजाता हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाती है। सुजाता की मृत्यु के बाद कनिका बहुत रोती है और अपनी माँ का दाह संस्कार कर देती है और अपने आंसू साफ कर अपनी मरी हुई माँ की जादुई पाउडर लेने के लिए काली पहाड़ी वाले जंगल पहुंच जाती है। कनिका वहां जाकर देखती है तो वहां सच में एक पाउडर रखा था जिसके अंदर से आवाज आती है, कनिका मैं तुम्हारी माँ का जादुई पाउडर हूँ, मुझे अपने चेहरे पर लगा लो, मुझे लगाते ही तुम्हारी काया पलट हो जाएगी, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाओगी, फिर तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, चलो जल्दी से मुझे लगा लो। कनिका तुरंत अपनी माँ का जादुई पाउडर उठाती है और वह अपने चेहरे पर लगा लेती है, जिसे लगाते ही सच में वह बिल्कुल परियों की तरह सुंदर हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर कनिका को विश्वास नहीं होता और वह खुशी खुशी अपने घर की तरफ आने लगती है कि तभी वह देखती है कि एक नदी में तीन परियां डूब रही हैं। कनिका से यह देखा नहीं जाता, तभी वह उन परियों को बचाने के लिए उनके पास जाती है तो एक परी कहती है, अरे नहीं नहीं, तुम इस नदी के अंदर मत आओ, अगर तुम इस नदी के अंदर आओगी तो तुम पहले की तरह काली हो जाओगी, हमें तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम यहाँ अपनी माँ का जादुई पाउडर लेने आई थी जिसकी मदद से तुम सुंदर हुई हो, लेकिन यह नदी शापित है, अगर तुम हमारी मदद करोगी तो काली हो जाओगी। परी जी, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि इंसान की असली सुंदरता उसके अच्छे इंसान से होती है, अगर वह अच्छा इंसान नहीं तो वह चाहे कितना भी सुंदर क्यों नहीं, वह सुंदर नहीं होता। मैं आपको इस तरह से मरता हुआ तो नहीं देख सकती, अगर आपको बचाने की वजह से मैं काली और बदसूरत हो जाती हूँ तो कोई बात नहीं, इतने साल भी मैंने लोगों के ताने सुन सुनकर गुजार दिए हैं, आगे की भी जिंदगी ऐसे ही गुजार दूंगी, लेकिन मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती कि अपनी सुंदरता को बचाने के लिए तीन तीन परियों की बलि चढ़ा दूं। ऐसा कहकर कनिका तुरंत नदी के पास जाती है और तीनों परियों को बचाकर बाहर लेकर आ जाती है, लेकिन वह काली नहीं होती, सुंदर की सुंदर ही रहती है। तभी तीनों परियां हंसने लगती हैं और वह कनिका से कहती हैं, सच में कनिका, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, अगर तुम सुंदरता का लालच करती और हमारी मदद नहीं करती तो यह जादुई पाउडर इस जंगल के बाहर जाते ही अदृश्य हो जाता और साथ में तुम्हारी सुंदरता भी चली जाती, तुम्हारे अच्छे संस्कार और अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हें सुंदरता मिली है, हम तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई, जाओ खुश रहो और हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहना।
परी की यह बात सुनकर कनिका बहुत खुश होती है और वह खुशी खुशी उस जंगल से वापस आ जाती है। तभी गांव में आकर कनिका को एक खबर मिलती है कि गांव में एक फैशन शो कॉम्पिटिशन होने वाला है और कनिका को बचपन से ही मॉडल बनने का बहुत शौक था, लेकिन कभी उसे मौका ही नहीं मिला और न ही उसने कभी कोशिश की थी अपने रंग रूप की वजह से। लेकिन अब तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो चुकी थी, इसलिए वह ऑडिशन देने चली जाती है तो वह सिलेक्ट हो जाती है और उसी फैशन शो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने सुमन भी आती है। और सुमन अपने से ज्यादा सुंदर कनिका को देखकर मन ही मन सोचती है, इतनी सुंदर लड़की यह कौन है? अगर इस कंपटीशन में इसने पार्टिसिपेट किया तो इसका जीतना तो पक्का है। इतनी ज्यादा सुंदर लड़की मैंने अपने गांव में कभी नहीं देखी थी। मैं तो खुद को ही इतनी ज्यादा सुंदर समझती थी और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट इसलिए किया था कि मैं जीत जाऊंगी, लेकिन इसे देखकर तो मुझे अपनी हार पक्की लग रही है। सुनो लड़की, तुम किसकी बेटी हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। अरे सुमन, तुमने ही तो कहा था कि मुझ जैसे काले बदसूरत लोगों को मर जाना चाहिए, कम से कम बदसूरत लोग तो कम हो जाएंगे। तो बस मैंने अपनी बदसूरती को खत्म कर दिया और मैं सुंदर हो गई। मैं वही गरीब काली लड़की हूँ जिसे धक्के मारकर तुमने निकाल दिया था, और देखो ऊपर वाले ने मुझे कितनी ज्यादा सुंदरता दी है जिसे देखकर तुम भी हैरान हो। इसलिए सुमन कहते हैं कि कभी भी सामने वाले का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, पता नहीं कब उसे क्या मिल जाए और वह तुम्हारी बोलती बंद कर दे। ओहो, अच्छा तो यह वह काली बदसूरत लड़की है हमारे घर में जो नौकरानी का काम करती थी। अचानक यह इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई? अगर यह इस कंपटीशन में जीत गई तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचूंगी, और यह मुझे कितना चिढ़ाएगी। मुझे पता लगाना चाहिए आखिर अचानक इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई। सुमन मन ही मन ऐसा सोच रही थी और वहीं दूसरी तरफ फैशन शो शुरू हो जाता है। पहला राउंड होता है तो उसमें भी कनिका ही फर्स्ट आती है, सेकंड राउंड में भी कनिका ही फर्स्ट आती है, लास्ट और तीसरा राउंड बचा था जिसका रिजल्ट आना बाकी था। कनिका को अपनी हार पक्की नजर आ रही थी और वह तीसरा राउंड होने से पहले पहले कनिका के रूम में जाती है तो कनिका अपने माँ के जादुई पाउडर से बातें कर रही थी। माँ, अगर यह जादुई पाउडर नहीं होता तो मैं अपने बचपन के सपने को कभी पूरा नहीं कर पाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ नहीं हैं, फिर भी आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं भी तो कहूँ, इतनी काली बदसूरत लड़की इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई? यह जादुई पाउडर का कमाल है, अगर यह मेरे पास आ जाए तो मुझे इस कॉम्पिटिशन को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा सोचकर सुमन मौका देखकर वह जादुई पाउडर चुरा लेती है और जैसे ही लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर वह बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती है। तभी जादुई पाउडर से आवाज आती है, घमंडी लड़की, तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था ना, देख तेरा घमंड कैसे चकनाचूर हो गया। तूने बेचारी कनिका को बहुत परेशान किया, उसका बहुत मजाक उड़ाया, सिर्फ कनिका का ही नहीं तूने सभी काले लोगों का बहुत मजाक उड़ाया। अब तू ऐसे ही रहेगी गंजी काली और चेहरे पर इतने ज्यादा निशान, जब लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे तब तुझे समझ में आएगा कि दूसरों का मजाक उड़ाने से सामने वाले को कितना दुख होता है। इतना कहकर जादुई पाउडर अदृश्य हो जाता है। सुमन का रो रो कर बुरा हाल था और वह मुंह छुपाकर फैशन शो कॉम्पिटिशन से दुम दबाकर भाग जाती है, और इस तरह सुमन को उसके घमंड और बुरे व्यवहार की अच्छी तरह सजा मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ कनिका कॉम्पिटिशन जीत जाती है और उसे मुंबई जाने का मौका भी मिल जाता है, और एक दिन वह बहुत मशहूर मॉडल बन जाती है, बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है, और वह कभी भी अपनी सुंदरता पर और अपने पैसों पर घमंड नहीं करती, गरीब और परेशान लोगों की मदद करती है और एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती है।